आप क्या करते हो? हम लोग दूध में क्या करते हैं, अभी हमारा रिक्वायरमेंट है ना 60 लीटर का ही है, 30 अच्छा, लीटर हाँ। सुबह में और 30 लीटर शाम को, बाद में जितना भी दूध बचता है ना वो सब हम लोग बच्चे को सब पिला देते हैं, क्योंकि हमारा जो दूध का केन रखा ना इतना ही दूध लेना है, क्योंकि वो सब बचे। हाल जो ढूंढ जाए ना रील बना, एक वीडियो बना रहे हो ताकि वो पहले ले लें। वीडियो में थोड़ा लेना रहे बता ना रेडी। पूरी गौशाला विजिट करवाई थी और सर से इंटरव्यू भी लिया था, पर इस गौशाला में क्या शाम के टाइम पे हम लेट आए थे तो अंधेरा हो चुका था, तो अभी आपको पूरी श्री वल्लभ गिर गौशाला पूरी विजिट करवाएंगे, सभी गौ माता एक सारी मतलब यहाँ पे 118 है तो सारी गौ माता आपको विजिट करवाएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो सारी गौ माता अभी खुले में बाहर है और बाहर जो ये स्टैंड बना रखा है इनके खाने के लिए, तो इसके अंदर अभी मूंगफली का पाला डाल रखा है तो ये अभी सारी गौ माता खा रही है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अगर मतलब गाय कहीं से परचेज करके लेके आते हैं और भैंस से लेके आते हैं तो उनको क्या खिलाते हैं, तो आप ये मूंगफली का पाला भी खिला सकते हो। अधिकतर गुजरात में मूंगफली का पाला खिलाते हैं पशुओं को, सभी पशुओं को, तो आप ये खिला सकते हो और आप एक बार विजिट कर लो पूरी गौशाला। ये सारी बछड़िया है ना, ये सारी बछड़िया है, उधर बड़ी बड़ी गाय है। और इधर ये मकई लगाई थी वो माता के लिए, तो चांद लगा। तो दोस्तों यहाँ से लेके आपको लास्ट तक सारी गौ माता विजिट करवाते हैं, इसी साइड में रहेगी सारी गौ माता, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा था, सारी गौ माता अभी सुबह के टाइम में ये जो चारा डाल रखा है तो खा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉगी भी रख रखा है तो ये उधर जा रहा है, आपने ऐसा डॉगी कहीं नहीं देखा होगा, हमने भी पहली बार देखा है, देख लो गौशाला के अंदर रखा हुआ है ये डॉगी गौ माता के साथ। तो दोस्तों देख लो ये आपको दिखाते हैं, इस गौशाला के अंदर ये स्विमिंग पूल बना रखा है और यहाँ पे ये हंस है जो अभी पानी में तैर रहे हैं, तो ये भी व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए हमने सोचा कि गौशाला के अंदर इसका वीडियो के अंदर इसका व्यू भी ले लेते हैं। और अभी आप देख रहे हो ये इधर जो चारा खा रहे हैं, चारा खाते हैं हंस भी, तो ये जिदवा घास है तो ये खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसके पैर कैसे होते हैं आप देख सकते हो और इसकी बनावट, और आपको दिखाएंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री वल्लभ गिर गौशाला के अंदर, तो बहुत ही अच्छी और बहुत विशाल गौशाला है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से गायों की केयर की जाती है, तो आज आपको पूरी श्री वल्लभ गिर गौशाला विजिट करवाएंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी जो देखने के लिए, आप भी देख के अपने अगर आपके भी गौशाला है तो उसमें उसका मतलब परिवर्तन कर सकते हो गौशाला में, और क्या क्या चीजें आपके लिए भी इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए रहेगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर वॉच करना और कमेंट करके जरूर बताना श्री वल्लभ गौशाला आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहले भैया का परिचय लेते हैं, आपको बता देते हैं अभी हम कहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो नमस्कार भैया। नमस्कार।
तो भैया एक बार आपका नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सोनी है और मैं उपलेटा में रहता हूँ और हमारा गौशाला इधर उपलेटा में ही है। हाँ जी। और हमारा सोने का कारोबार है, तो गांव के अंदर हमारा पूरा सोने का शोरूम है। अच्छा, उपलेटा में। हाँ, हमारा गांव में। अच्छा, तो आपको क्या शौक लगा जो आप मतलब अलग, वो बिजनेस अलग ही है बिल्कुल ही, और गायों के वो हमारा धर्म है ना, वो हिसाब से, और हमारे परदादा के वक्त से गाय तो हमारे घर में रहती है हर टाइम। तो हमने भी ऐसे ही सोचा कि एक दो गाय से अच्छा है कि एक दो करके इतना 120 हो गए हमारे पास। अच्छा, बहुत और ब्रीडिंग में ज्यादा रस पड़ा सब, तो आगे आगे बढ़ते रहेगा तो ये शौक बढ़ता ही गया। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो आपको ये शौक था इसलिए आपने गाय का पालन पोषण किया है ना, बहुत बढ़िया है। गौ सेवा एक बहुत ही अच्छी सेवा है, सब सेवा से गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है हमारे लिए। एक मानव अगर गौ की अच्छी तरह से सेवा करेगा तो, और आपको इस गौशाला में और बहुत अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग चीजें। तो यहाँ से आपको बताते हैं, अभी पीछे आप देख रहे हो कबूतर है, तो यहाँ पे जो हमारे भारत में पाए जाने वाले वो कबूतर भी है और सफेद कबूतर है, अलग है, तो उसके बारे में जानते हैं थोड़ी बहुत। तो एक बार भैया आप बता दीजिए वो आप। ये हमारा छोटा था ना, जब से तब से हमारा शौक रहा। अभी अभी 3 साल तीन वीक का क्लास में पढ़ते थे ना, तब से हमने कबूतर रखे है, तो अभी वो कंटिन्यू है। अच्छा, अभी उस पूरा एकदम 350 कबूतर है, लेकिन वो अभी सुबह में खोल देते हैं, रात तक घूमेंगे फिर शाम को आ जाएंगे। तो उसको कोई दूसरा दिक्कत नहीं है, बस दाना पानी डालना है और वो अपने आप खा लेते हैं, तो बस मजा आता है। इधर आते हैं तो कबूतर देख के एकदम एकदम। तो ये आपने विदेश से परचेज किए होंगे? हाँ, ये सब अलग जगह बॉम्बे से, वो अलग अलग जगह से, सब अलग अलग जगह से लाए हैं, तो सब बहुत बढ़िया है। तो ये और अभी इसके अंदर रहते हैं पूरी रात इसी में रहते हैं? हाँ, पूरा रात। और सबका 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सबका अलग अलग कमरा है, वो अपने आप उसके अंदर चले जाएंगे, आप चले जाते हैं ना अपनी अपनी नस्ल के अनुसार, वो अपना पूरा चूड़ा बना के उसका जो घर है वो पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया है। तो बहुत भैया ने बताया कि 3 साल से इनको शौक था, बचपन से ही शौक था, तो इन्होंने कबूतर का पालन किया है। बहुत ही अच्छा लगा हमें भी ये कबूतर देख के, और अलग अलग प्रकार के हैं यहाँ पे, अलग अलग कलर के कबूतर हैं। और आपको दिखाते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये गौशाला में आने का मेन एंट्री होने का गेट है, और यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं इनकी गौशाला बहुत ही बड़ी है। और उधर की साइड आप देख सकते हो गायों के लिए जो सूखा भूसा है, मूंगफली का पल्ला है ना, मूंगफली तो वो खिलाते हो आप, मूंगफली का पल्ला। हम लोग बारिश का टाइम नहीं है तो हमने बाहर रखा है, और जब भी वो 3-4 महीना लगेगा तब तक तो वो पूरा हो जाएगा, हमारा पूरा गोडाउन भर के रखा है तो। अंदर और है ना, और तो चलिए दोस्तों और आपको दिखाते हैं पूरी गौशाला, एक बार विजिट करवा देते हैं आपको। दोस्तों इस गौशाला में 2 तरह के शेड बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं। एक तो आप देख रहे हो ओपन शेड है और एक पूरा पैक वाला है। तो जानते हैं सर से ये किस प्रकार से इन्होंने क्या सोच के बनाए हैं, तो सर एक बार बता दीजिए। जैसे कि आपने खुला वाला शेड भी बना रखा है और पैक वाला भी बना रखा है, तो आपकी क्या सोच है, जैसे कि गाय को कब यहाँ पे रखते हो, किस टाइम पे, सुबह रखते हो या शाम के टाइम पे? तो हमारे उधर की गाय को कभी बांधते ही नहीं है, दो टाइम दोहन करने के टाइम में उसको बांधा जाता है, बाकी हर टाइम सब गाय खुले ही रहता है। उसको जिधर अच्छा लगेगा वो उधर जा सकती है। समझ लो बाहर बहुत धूप लग रहा है तो वो अंदर छाई मिल जाएगा तो उसके लिए चले जाएगा उसके अंदर। हाँ। और उसको अच्छा लगे उस तरह वो घूम सकती है। अच्छा, तो अभी जैसे कि ये सारी गाय भी खुले में है, तो अभी ये मिल्किंग वाली नहीं है? नहीं, ये मिल्किंग वाली नहीं है, अभी वो गाभन है कोई, तो अभी छोटी बची है, वो तब जब भी वो गाभन हो जाएगी, टाइम पूरा हो जाएगा, उसके लिए अलग बने हैं, तो उसको उधर रख देंगे तब। ये अभी सब हमारे फ्यूचर बुल है, ये सब हम बड़े कर रहे हैं, आगे के लिए हम तैयार कर रहे हैं इसको। तो इनके मदर और फादर का अच्छा दूध वाला रिकॉर्ड होगा तभी हमारे ये सब, हमारे उधर का ही, उधर मदर भी हाजिर है हमारे पास, उधर का फादर भी हाजिर है हमारे पास, उनका ही हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। इसका मिल्किंग एकदम टॉप उप के रहेगा, वही बुल हम रखते हैं, उसका ही ब्रीडिंग करवाते हैं। सही है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मिल्क का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा। हाँ। तो बाद में बुल को तैयार करने का कोई मतलब नहीं रहता, तो आगे पीछे देखना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि माँ का और बाप का दोनों का ही 3-3 तो देख कर ही आगे बुल को है। तो सर जैसे कि आपके पास में अभी कितनी गाय है सारी टोटल? अभी हमारे पास 120 जितनी गाय है, छोटी बड़ी सब गाय है ना, उसमें से कितनी मिल्किंग वाली है? मिल्किंग अभी हमें 30 गाय मिल्किंग में, 30 गाय है ना। तो अभी मिल्क का, अभी शाम का टाइम हो रहा था, अभी मिल्किंग का टाइम हो गया है, अब मिल्किंग चालू हो गया, चालू है ना, पूरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और मिल्किंग में भी क्या करते हैं हम लोग, अभी 30 गाय है, लेकिन हमारा दूध का जो डिमांड है ना वो 60 लीटर का ही है, उससे ज्यादा हम दूध नहीं निकालते। बाकी बच्चे बच्चे ना उसके लिए रख देते, अच्छा, हैं, उसको पिला देते हैं। बहुत बढ़िया है, देख लो बच्चों को पिलाते हैं, और बच्चियां होती हैं उनको भी आप दूध मतलब कितने थन पिलाते हो?
होश तो मतलब इसका जो बेहतर पूरा हो जाएगा ना वो तब तक फिर तब तक उसका माँ का दूध आएगा ना तब तक उसको दूध पिलाओगे ना। बहुत बढ़िया है। तो देख लो पूरा दूध अगर बच्चे को अपनी माँ का दूध मिलेगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। और आपको एक बार झलक दिखा देते हैं, अभी टाइम मिल्किंग का है और मिल्किंग उधर चालू है तो दिखाते हैं कैसे क्या मिल्किंग करते हैं यहाँ पे इस गौशाला में। तो चलिए उधर का पार्ट एक बार विजिट करवा देते हैं। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में मिल्किंग वाली सारी गाय को बांध रखा है, मिल्किंग के टाइम पे बांधते हैं ये। तो दिखाते हैं आपको कैसे क्या मिल्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। इधर वाली की हो गई है ना मिल्किंग, ये सारी की हो गई। हाँ ये सब बतानी होगी हमको। तो सर जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं खुली रखते हैं हम सारी गायों को, तो अभी सभी को एक एक करके आपने बांध रखा है, तो वो किस वजह से बांध रखा है? वो मिल्किंग के टाइम ही एक घंटा बांध ही रखेंगे। अच्छा मिल्किंग के टाइम में एक घंटा बांधते हो केवल? खान दान वो सब उसको प्रॉपर मिलेगा, वो जैसे खाना पीना हो जाएगा तो उसको छोड़ देते, बाद में सब सुबह में फिर मिल्किंग के टाइम फिर बांधेंगे उसको। बहुत बढ़िया है। तो इस वजह से आप इनको बांध देते हैं ताकि आराम से मिल्किंग भी करवाए, इनका जो फीड है पूरा इनको मिल जाए और प्रॉपर आहिस्ता खाए, कोई ज्यादा खाती है कोई एक साथ में, कोई टकराए नहीं और आराम से खा सकती है। सही है। तो अभी आप बता रहे हो जैसे कि 30 गाय आपके यहाँ पे मिल्किंग वाली है, तो दूध भी वो बच्ची हो या बछड़ा हो बछड़ी हो कोई भी हो, उसको पूरा एकदम दूध जब पूरा उसका माँ का जो टाइम पूरा हो जाएगा तब तक दूध उसको पिला देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दूध का आप जैसे कि सेल वगैरह करते हो या घी तैयार करते हो? नहीं हम लोग तो सेल में तो क्या लगता है, हमारा घर भी बहुत बड़ा है, हम 10 आदमी रहते हैं घर वालों के लिए भी। 10 लीटर तो उधर ही चला जाता है, बाद में छोटे बच्चे वाले कोई दवाई के लिए ले जाते हैं वो सब हमारे घर से ले जाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया है, भैया ने बताया है कि दवाई के लिए भी वो जैसे कि दूध वगैरह किसी को चाहिए तो आसपास के लेके जाते हैं, सेल नहीं करते हैं ये दूध वगैरह। और इस प्रकार से सारी गाय को बांध के मिल्किंग कर लेते हैं। अभी मिल्किंग हो चुकी है तो अभी आप थोड़ी देर में इसको खोल दोगे? हाँ, खुल जाएगा। तो दोस्तों एक और नई चीज दिखाते हैं इस गौशाला में हमें देखने को मिली है। तो अभी आप देख रहे हो वो वाला मतलब ग्रीन कलर वाला है, तो वो किस लिए काम में लिया जाता है तो एक बार उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बोला था कि नई चीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो भैया एक बार आप उसके बारे में भी बता दीजिए। ये बॉडी के ब्रश को देख लिए, कोई गाय को भी कुछ भी मजा आएगा खुजली वगैरह तो अपने आप पास में आ जाती है ना, वो अपने आप घूम के वो जिधर भी जो मजा आएगी वो ब्रश लगाना। अच्छा। और ये वाला जो ब्रश है ना वो सींग के पीछे में जो होता है ना उसके लिए रखा है, सींग के पीछे में जो सींग ना, हाँ तो वो अपने आप उसके हिसाब से उसको जब भी मजा आएगा तो वो उसके लिए वो हिसाब से उसको लगा। गोबर वगैरह होता है तो साफ हो जाता है, इससे भी जो गाय के शरीर में कुछ भी बाहर गोबर वगैरह। हमारे पास इतनी सारी गाय है तो हम लोग तो हर टाइम उसको हाथ में लगा सकते हैं, वो नहीं कर सकते तो अपने आप वो लगा ले, उसके लिए हमने रखा है। बहुत बढ़िया है। दोस्तों देख लो आपने भी पहली बार ऐसी चीज देखी होगी, क्योंकि बहुत सारी गौशाला विजिट करते हैं पर ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से, विदेशों में हम जो गाय की वीडियो देखते हैं वहाँ पे ऐसे सारे सुविधाएं लगी हुई होती है, तो यहाँ पे देखने को मिली है। और आपको विजिट करवाते हैं इस गौशाला में बहुत अलग अलग तरह से यहाँ पे इसको गौशाला को सेट किए हुए हैं, तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों इस गाय इस गौशाला में आपको बताते हैं कि कितने प्रकार की ब्लड लाइन है और कौन कौन सी गाय है यहाँ पे। तो एक बार भैया आप बता दीजिए आपके पास में जो गाय है तो कहाँ कहाँ की ब्लड लाइन है एक बार बता दीजिए। हमारे पास ज्यादातर की भावनगर की ब्लड लाइन है, भावनगर थारोड़ी गुरुकुल है। अच्छा अहमदाबाद उसका ब्लड लाइन है। अच्छा और हमारे उधर जो क्रॉस किया ना दो ब्लड लाइन का उससे बच्चे ज्यादा हुए है हमारे उधर। बहुत बढ़िया है। तो अभी जैसे कि भावनगर वाली है अधिकतर आपके पास में, तो बुल के बारे में बात करें तो बुल अभी कौन सा है आपके पास में? अभी हमारे पास किशन करके एक बुल है, उसका बाप का नाम था गरेड़िया बोलता था, धोड़ी का उसका धोड़ी का बोलते हैं हमारे सौराष्ट्र में, तो उसका लड़का बच्चा है। और उसकी माँ है ना वो भी ब्लड लाइन उसका अलग ही एकदम बेस्ट है, फाड़वा दरबार का ब्लड लाइन है वो हिसाब से, और दोनों का ब्लड लाइन करके दूध भी बहुत अच्छा होता है। उसकी दो बहन है, दोनों वाली उधर लास्ट वाली है ना, दो है ना हाँ उसकी बहन है, और उसका दूध भी बहुत अच्छा है, उसके सब बच्चे बहुत दूध में भी बहुत रहते हैं, 7-8 लीटर फर्स्ट लोकेशन में रहता है। तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि दूध के बारे में बात करें तो सब गाय का दूध कितना क्या मतलब एवरेज आप देखोगे ना तो 7-8 लीटर 7-8 लीटर सारी गाय
सात आठ लीटर के मेरे पास भी है, 12-14 लीटर वाली भी है, लेकिन वो ऐसा कम है, एक दो ही है उसके अंदर इतना दूध रहता है। तो सारी गाय अपने फार्म की है या कहीं से आपने खरीदी भी है? पहले पहले बहुत बाहर से ली हुए, बाद में हमने प्रॉपर ये सब बुल ला के बाहर से ब्रीडिंग करे, अभी जो है वो खुद का ही हमारे ही है। सारा आप मतलब सेल करते हो या आप? नहीं अभी सेल तो कभी नहीं किया अभी तक, अभी तो हमने बछड़े वो बस निकालते बछड़े निकालते है ना, बाकी तो सब बछड़िया है, तो अभी तो इतनी हो गई। और अभी हमारा ऐसा है कि आगे जाके 200 गाय वो ऐसा था, पहले टारगेट किया था लेकिन वो पूरा हो गया, लेकिन अभी वो उधर से रुकना नहीं है, उसको 200 ऊपर ले जाना है। सही है, ब्रीडिंग अच्छी करनी है और 200 तक लेके जाना है और बढ़ानी है आपकी गौशाला को। बहुत बढ़िया है, तो आप रिजल्ट भी बढ़िया मिल रहा है हर टाइम, अलग अलग बछड़े आ रहे हैं जो एकदम मस्त ब्लड लाइन हो रहा है, और दूसरा जो बुल रहा है बादल करके, तो उसका बाप भी रेडी ना है, तो उसका भी बच्चे सब छोटे छोटे जितने वो आ गए, तो उसका भी ब्लड लाइन बहुत बढ़िया है। ये जो छोटा वाला बच्चा है हमारा जो बुल है ना, उसका एकदम छोटा भाई है, उसकी माँ एक ही है, इसका बाप का सीमेंट लेके उसकी माँ को दिया था, तो जो बुल हम यूज कर रहे हैं ना उसका ही छोटा भाई है। छोटा भाई ना बहुत बढ़िया है, क्वालिटी के अंदर देखे तो कलर में देखे तो, और उसका उसका माँ है ना, उसका दूध 12 लीटर करके दूध है उसका माँ का। बढ़िया, तो इसको भी आप तैयार करोगे? हाँ, उसको अभी हमारे फ्यूचर के लिए हम लोग इसको भी रेडी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, तो अभी आपके पास में फ्यूचर के लिए कितना बुल आपने तैयार किया? मेरे पास हो रहे हैं वो 1 साल के हो गए, और एक ये हो रहा है, बुल बना रहे अभी। तो सर एक बार, जैसे कि कोई भी नया युवा हो वो अगर गाय का करना चाहता है, डेयरी फार्म या कोई गौशाला खोलना चाहता है, तो आपकी क्या राय है उसके अंदर? नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझ लो उसके अंदर आप ऐसा सोचोगे मैं इसके अंदर से मुनाफा कर लूंगा, बना लूंगा, पैसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक डीजल देने के लिए 3-3.5 साल तो लग ही जाते हैं, आपको तभी पता चलेगा कि ये बुल बराबर है कि नहीं है, तो वो सही देखना है। आपको गाय तो कैसे भी चलेगी लेकिन बुल के अंदर है ना वो उसके अंदर एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, वो बोलते हैं ना कि प्रूवन बुल चाहिए, प्रूवन बुल मिलेगा ना तो आप अच्छी तरह से गोसंवर्धन कर सकते हैं। सही, बहुत बढ़िया है। तो आपको कितने साल हो गए गाय का? मतलब ये 18 साल, 18 साल हो गए ना इस गौशाला को। हाँ, बहुत बढ़िया, 18 साल। एक गाय से चालू किया था हमने, अभी हाँ इतने हो गए अभी तो, अभी 118 120 गाय हो गई अभी। बहुत बढ़िया, देख लो एक गाय से स्टार्ट किया और 17-18 साल हो गए इनको, और बहुत ही अच्छा सेटअप बना रखा है, तो एक बार आपको पूरा विजिट करवा देते हैं, उधर की साइड में भी बना हुआ है। तो दोस्तों इस गौशाला में फीड में गाय के लिए क्या क्या दिया जाता है, तो आपको बताते हैं। अभी आप देख रहे हो ये फीड है, तो ये एक गाय के लिए है ना दूध देने वाली। हाँ, एक गाय के लिए। तो क्या क्या इसके अंदर आपने मिलाए? मक्का ही बोलता है, मक्का बोलता है, मक्के का चापड़ है, मक्का ही लेते हैं। वो कपासिया का, ये आप देख रहे हो कपासिया की खल है जिसे हम बिनोला खल बोलते हैं, और ये है बिनोला, और ये मकई का चापड़ है। 3 प्रकार का ये फीड इसको गाय को मिक्स करके खिलाते हैं, ये फीड बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया फीड खिला रहे हैं। और एक गाय के लिए आप देख सकते हो इतने 4-5 केजी के बराबर ये फीड होगा, और सभी गाय को खिलाते हुए केवल दूध देने वाली है ना। और हरे में सूखे में वो क्या कैसे तो हमारा जो मकपली का पाला बोलता है ना, हाँ, वो रहता है, और हमारे मकई अभी जो हरी मकई आती है, बहुत बढ़िया है। तो भैया जैसे कि आपकी गौशाला में अलग अलग तरह के सिंगू वाली और अलग अलग पैटर्न वाली गाय देखने को मिली है, तो एक बार आप बता दीजिए, जैसे कि ये गाय दिख रही है, तो ये कौन सी ब्लड लाइन की है? ये छारोड़ी ब्लड लाइन की है, ज्यादातर पूरा एकदम लाल गाय रहती है। अच्छा, हाँ। और हमारी चॉइस क्या रहती है, जो ऐसा काबरा बोलते है ना, काबरी वाली हमारी चॉइस ऐसी रहती है। इसकी जो बच्ची बच्चा आती है ना, वो पूरा एकदम ऐसा ही आएगा कलर में, हमारे बुल है ना बुल के ऊपर ही लेती है सब, तो हिसाब से। और इसका दूध वो सब आचार वो सब बहुत बढ़िया है। अभी इसका 5 बेहतर हो गया, लेकिन 5 बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी उसका बच्चा बच्ची सब बहुत बढ़िया आता है। और उसके लिए सब अलग अलग ब्लड लाइन की गाय रखी है, उसके अंदर से हम लोग अलग बच्चा निकालते हैं। अच्छा होता है, तो वो हो जाता है उनका हिसाब से बढ़िया। ये वाली गाय ये कौन सी है? हमारे बछड़े की है, उधर की आपके इधर की हम। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो माई पे हमारे पास है, इसकी माँ भी है। हाँ, और उधर वो बिल्कुल ही अलग सींग वाली है, वो भावनगर की है, भावनगर की है ना, नंद करके जो नंद था ना, नंद की बच्ची है। अच्छा, नंदपुर की बच्ची है ना। तो इसका एक आचार है ना फेल हो गया था, और हम लोग ने बच्ची के लिए लाया कि इसके अंदर अच्छा बच्चा मिलेगा ना, वही तब हम लोग लाए इसको। तभी आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिला है? हाँ, बहुत बढ़िया मिलता है हिसाब से, क्योंकि ये सब क्या होता है हर टाइम दूध के लिए नहीं होता है, अच्छा बच्चा लेने के लिए भी हमें माई अच्छी चाहिए,
बाप तो हमारे पास है, तो अच्छी माँ रहेगी तो अच्छा बच्चा भी मिलेगा। मैं सही है, बहुत बढ़िया है। और ये वाली इसके बारे में एक बार बता दीजिए। हाँ, ये भी हमारी है, ये जो अभी किसान है ना उसके ही बच्चे है सब। अच्छा, ये जितने भी अभी नए नए जितने भी उड़का लगा ना फर्स्ट और दूसरा अभी वो भी हमारे ही सब का इधर पे। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो ये मतलब अभी जो इनके ये कंसीव हुए है तो सारे मतलब आपके यहाँ पे बुल रखे हुए हैं उसके ही है सब ज्यादातर। बहुत बढ़िया है। तो अभी आपके पास में बुल कौन सा है जो अभी जिसका अच्छा रिजल्ट है आपके पास में? अभी हमारे पास है ना अभी एक चालू बुल है किसन करके, लेकिन अभी 10 दिन से उसका पैर में क्या हुआ है कि वो दिक्कत होगी। हाँ, तो इस हिसाब से वो भी बीमार पड़े। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट सब चल रहा है। हाँ, और एक उसके पहले दूसरा भी बुल हम लाए उसका नाम बादल करके। अच्छा। तो रेडी ना है उसका बाप। हाँ, तो बंदर से हम लाए थे बछड़ा। हाँ, छोटा वाला अभी बड़ा हो गया। हाँ, वो भी हम यूज करते है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी जैसे की ये पास में हम देख रहे हैं, एक बार ये इनके बारे में बता दीजिए। सारी बछड़ियां हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी है, और ब्लड लाइन के बारे में देखे तो भी क्वालिटी में भी बहुत अच्छी है, कलर भी सभी का अच्छा। हाँ, है तो ये सारी अभी बछड़ियां हैं तो ये मतलब आपके पास में बुल है उसी की है? हाँ, ये मेरे पास है ना जितनी छोटी है ना वो नया बुल जो यूज करे ना बादल। हाँ, का बचा है। जो बड़ी है ना वो हमारा किशन का बच्चा है ना। हाँ, वो अभी बुल जो बादल चालू किया था ना वो सब एक साथ में जितनी भी गाभन हुई थी ना। हाँ, किशन की बची थी उससे बादल से फीडिंग करवाया था। बहुत बढ़िया, इतनी सारी ये बछड़ियां सारी आपके फार्म पे यहीं पे तैयार की है ना? बहुत बढ़िया है सारी बछड़ियां। तो अभी सभी को इनको बड़ा करके मतलब यहीं पे रखना है? बछड़ी रहेगा, बछड़ा रहेगा, कोई भी रहेगा, उसको तो पहले तो उसका टाइम रहेगा दूध का, वो टाइम में पूरा एकदम पिला के उसको करेंगे। उसका माँ का दूध बंद हो जाएगा तभी उसको खाने में लेते हैं, तब तक तो वो दूध ही पिएगा। बहुत बढ़िया। और बुल हो तो एक बार वो भी करवा दीजिए। लाइट चालू करने तो काला उड़िया थे जाओ सर। हाँ, तो दोस्तों अभी जो आपने इतनी सारी बछड़ियां देखी थी वो तो ये बादल बुल है, तो इसका सारा वो सारी रिजल्ट इसी का है, इसी बुल का। बहुत ही प्यारा बुल है और इसकी फेस की बनावट आप देख सकते हो। तो अभी ये कितने साल हो गए या आप या यही का तैयार किया? ये लोग हम ये बच्चा था ना 1.5 साल का, तब हम लोग पोरबंदर से लाए थे। अच्छा। इसका बाप उसका नाम रेडी ना है, और मैं पोरबंदर से उसको तब बछड़ा लाए थे। अभी ये बड़ा हो गया, अभी 3.5 साल का हो गया। अच्छा। और अभी 3.5 साल का हुआ है तो 1 साल पहले से वो काम चालू कर दिया। अच्छा। उसका जो छोटे बच्चे जितने भी है ना तो ये सब उसके ही बाद का रिजल्ट है ना। बहुत बढ़िया, इतने सारे बच्चे और बछड़ियां देखी है हमने, बहुत अच्छे अच्छे है इनके गौशाला में। और भैया एक बार बता दीजिए जैसे कि आपके पास में गिर नस्ल की गाय है या और भी नस्ल है आपके पास? नहीं, में एक ही है, गिर का ही, गिर के ऊपर ही हम लोग को गिर का ही शौक है और गिर गाय रखते हैं पूरा एकदम। और अलग कुछ हॉर्स वगैरह? हाँ, हॉर्स रखे और दूसरा बर्ड्स है सब। हाँ, हाँ। और इसके लिए सब एक बार। हाँ, वो भी दिखा दीजिए। हाँ, आप और ये दो जो बच्चे गाय है ना ये अभी दोनों का साथ में बच्चा, ये दोनों का साथ में एक दो बच्चा। हाँ हाँ, वो बछड़ी है और ये जो हमारा बुल था ना इसकी माँ है। तो इसका दूध का कितना रिकॉर्ड है? ये 12 लीटर दूध देती है। 12 लीटर है ना, थन और एडर की क्वालिटी भी लग रही है। बढ़िया है, बढ़िया है। ओ, ये बंसी है उसका नाम। ये दोनों मतलब हैवी मिल्क वाली है ना? हैवी मिल्क वाली है दोनों। और इसका ये बछड़ी है नीचे? हाँ, ये इसका बछड़ी है, उसका नाम बंसी है, माँ का नाम। तो कलर भी बहुत बढ़िया आता है, ये भी बादल की है। बादल की है ना? हाँ, ये बादल की है। बढ़िया है, बादल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है आपके पास। और हमारा क्या रहता है, और सबका चॉइस अलग अलग रहता है। हाँ, कोई आदमी क्या बोलता है कि गाय लाल रहेगी ना उसको गिर गाय बोलते हैं। नहीं, और हम लोग तो जब भी 18 साल पहले ये बछड़ी हम लोग छोटी थी ना तब लाए थे, हेमाड़ से लाए थे। हाँ। तो तभी 15-17 साल की महीने की होगी तब लाए थे, तब से मेरे पास है। सही है। और तभी सब आदमी बोल रहे थे कि ये गिर नहीं होते हैं। कोई नहीं, पर अभी इसकी ज्यादा डिमांड है ना मार्केट में, अभी के टाइम पे देखे इसकी ज्यादा है। हाँ, अभी लाल है ना वो कोई कोई चॉइस रखता है, बहुत लेकिन कम रखते हैं। ये सब ज्यादा सबको चॉइस में पहला यही रहेगा, अभी के टाइम में ये ज्यादा है, क्योंकि लाल को तो काफी टाइम हो गया लोगों को देखते हुए, पर ये नहीं है तो नहीं देखने के लिए लोग बाग ज्यादा ये खरीदने के लिए ज्यादा सोचते हैं। तो चलिए एक बार और दिखा। तो दोस्तों ये भैया के पास में है घोड़ी, और इसका नाम क्या बताया? मीरा है ना? हाँ, मीरा है। तो ये कौन सी नस्ल की है? ये मारवाड़ी है, मारवाड़ी नस्ल की है ना। तो मारवाड़ी नस्ल में ये कलर भी होता है ना? हाँ, ये कलर रहता है। और ये हमारे पास अभी 14 साल हो गए मेरे पास। अच्छा, 14 साल हो गए ना।
बहुत बढ़िया है। तो अभी आपके पास में घोड़ी में देखकर कितनी है, एक ही है या और भी है? मेरे पास अभी तीन घोड़ी है और इसका भी बच्चा आने वाला है अभी 7-8 दिन में आएगा इसका भी बच्चा। बहुत बढ़िया, तो उसको यहीं पर रखोगे या मतलब? इसलिए इधर रखा है कि मतलब अभी बच्चा आने वाला है तो कोई सेफ्टी रहेगा इसका। हमारा जो दो कैमरा लगा है वो उधर इसके ऊपर ही रखा है क्योंकि अभी कोई गाय भी बच्चा होगा तो उसको अंदर रखते है तो समझ लो रात को हमारा पूरा ध्यान रहेगा। सही है, बहुत बढ़िया है। तो भैया जैसे कि आपके पास में ये सारी गायें हैं तो अभी मेरे को देख के लगा पूरी गौशाला में आप इन्वेस्ट ज्यादा करते हो, इससे प्रॉफिट आपको कुछ भी नहीं है। आप गौ माता के लिए सारा जो भी मतलब अधिकतर जैसे कि इन्वेस्ट ही करते हो तो अभी तो वो प्रॉफिट ही है समझ लो, ये बच्ची सब बड़ी हो रही है, ये सेल करोगे तो बाकी तो अभी तो आप इन पे इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना, बेचना नहीं है इसलिए प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बेचेंगे तो उसका तो आराम से होगा, वो तो होगा अभी गिर की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। बहुत बढ़िया है, और आपने ब्लड लाइन भी अच्छी अच्छी ब्रीडिंग भी अच्छी की है तो तैयार भी अच्छी अच्छी बछड़ियाँ हो रही है और अधिकतर आपके पास में बछड़ियाँ का कलेक्शन ज्यादा है और वो बछड़ी भी इतनी सारी है तो वो सब क्या अभी अभी समझ लो 25 गाय अच्छी है जो अभी गाभन है, अभी 2-4-6 महीने के अंदर उसका भी बच्चा सब आएगा तो ये पूरा एकदम रोटेशन है ना चालू रहेगा, 30 गाय तो हर टाइम मिल्किंग में रहेगी। बहुत बढ़िया है, देख लो इतना कलेक्शन हो गया है इनके पास में बछड़ियों का, अभी नहीं तो आगे चल के ये सेल करेंगे और बहुत अच्छी गौशाला है। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।